नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा नहीं है जीरा। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे तो जीरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरा खाने से इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ऐसे तो जीरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसका प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सा से जरूर सलाह ले लें। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसका छौंक लगाने से दाल और सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है। चाट का चटपटा स्वाद भी जीरे के बिना अधूरा सा लगता है। सभी प्रकार के भारतीय व्यंजनों में जीरा का एक अहम भूमिका है। तो आइए जान लेते हैं क्या है साइड इफेक्ट्स जीरे के। जीरा अपने गैस से राहत देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि यह सबसे आम पाचन संबंधी समस्या का एक कारण हो सकता है। एक बुक के मुताबिक जीरे के वाताहार प्रभाव के कारण यह अत्यधिक डकार का कारण बन सकता है। कभी कभी डकार में अत्यधिक आंत्रपथ में गैस धक्के माध्यम से बाहर निकलती है, और तो और कभी कभी डकार से अजीब से गंध और विशेष ध्वनि भी आने लगती है। हालांकि वास्तविक अर्थों में यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन डकार निश्चित रूप से शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। लीवर को नुकसान कर सकता है जीरा। जीरे में मौजूद तेल अत्यधिक अस्थिर होने के कारण अधिक लंबे समय तक जीरे के अधिक मात्रा में इस्तेमाल से यह लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। जीरा का तेल मांसपेशियों के ऐंठन को कम करने या रोकने के लिए जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारी महावारी चक्र। जीरे की प्रवृत्ति कम होने के कारण या मासिक धर्म के दौरान हेवी ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। अगर आपने जीरे का सेवन बहुत अधिक किया है तो हैवी ब्लीडिंग के लिए आप जीरे को दोष दे सकते हैं। इसलिए पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग से बचने के लिए जीरे का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। ब्लड शुगर का निम्न स्तर करता है जीरा। अधिक मात्रा में जीरे के सेवन से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम होने लगता है। इसलिए निकट भविष्य में एक सर्जरी में जाने से पहले इस बात को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर सर्जरी के दौरान और बाद ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह पहले जीरा बंद करने की सलाह देते हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा नहीं है जीरा। डायबिटीज रोगियों को अपने ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित में रखने की जरूरत होती है। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रखना होता है। ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि जीरे के सेवन से ब्लड के स्तर में बहुत जल्दी कमी आने लगती है, और यह लो ब्लड शुगर स्तर का कारण भी बन सकता है। इसलिए डायबिटीज से पीड़ित लोगों को जीरे के अधिक सेवन से बचना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नुकसानदेह। जीरा ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जीरा के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दूध का उत्पादन कम होने लगता है। एलर्जी की समस्या। जीरा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसे नियमित रूप से खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और त्वचा पर निखार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीरे का इस्तेमाल त्वचा पर चकत्ते और एलर्जी पैदा कर सकता है? इसलिए त्वचा में एलर्जी से परेशान लोगों को जीरे का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना जीरे के नुकसान के बारे में। तो आज से ही ये प्रण लेते हैं दोस्तों हम कि किसी भी खाने में जीरे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।